Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 की डैनिश फिल्म द शैडो इन माई आई के बारे में, जो कहानी है दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान किए गए ब्रिटिश हमले ऑपरेशन कार्थेज की, जिस हमले में कोपनहेगन के 145 सिविलियन मारे गए। फरवरी 1945 में डेनमार्क पर जर्मनी का कब्जा था, पर कुछ इलाकों में आम नागरिक शांति की जिंदगी जी रहे थे। ऐसा ही एक इलाका था जटलैंड, जहां कुछ लड़कियां अपनी दोस्त की शादी में जा रही थी, पर अचानक उनकी गाड़ी को एक जर्मन गाड़ी समझकर ब्रिटिश एयरफोर्स ने उन पर हमला कर दिया और वो सारी लड़कियां और ड्राइवर मारे गए। हेनरी नाम का एक लड़का वहीं से गुजर रहा था और इस हमले का अंजाम अपनी आंखों से देखकर उसे सदमा लगा। ठीक उस वक्त स्वेन नाम का एक लड़का अपने दोस्त फ्रेडरिक से छुपने की मदद मांग रहा था, पर फ्रेडरिक उसकी मदद नहीं कर पाया क्योंकि फ्रेडरिक खुद अपने घर में मुश्किल से जी रहा था। फ्रेडरिक के पिता उसे एक गद्दार कहते हैं और उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। स्वेन जैसे ही उसके घर से निकला, एक आदमी उसका पीछा करने लगा और उससे बचने की कोशिश में वो उस आदमी के साथी के सामने जा पहुंचा। स्वेन का आईडी देखने के बाद उन दोनों ने उसे मार दिया और इस सब की गवाह ईवा नाम की एक लड़की थी। ईवा की दोस्त ग्रेटा, जिसके पिता एक जर्मन ऑफिसर है, उसी वक्त उस जगह आई। ईवा की माँ उसे वहाँ से ले जाने लगी और तब उसने एक आदमी को ये कहते सुना कि स्वेन इसलिए मारा गया क्योंकि वो कुछ राज जानता था। हेनरी को इतना गहरा सदमा लगा था कि उसने अपनी आवाज खो दी और वो हर रोज डर में जीने लगा। उसके इलाके के डॉक्टर्स भी हेनरी की आवाज वापस नहीं ला पाए और उसकी बातें वो लोग समझ भी नहीं पाए। इस वजह से उसके माता पिता ने उसे इलाज के लिए कोपनहेगन भेजने का फैसला किया। जिस प्लेन ने लड़कियों की उस गाड़ी पर हमला किया था, उसके पायलट्स पीट और एंडी थे, जिन्हें खबर मिली कि उन्होंने जर्मन गाड़ी नहीं बल्कि आम नागरिकों की गाड़ी पर हमला किया और उनकी वजह से चार लोग मारे गए। इस खबर ने उन्हें बुरी तरह परेशान कर दिया। फ्रेडरिक जर्मन सिपाहियों के लिए काम करता था और उसके सामने एक आदमी को टॉर्चर किया जा रहा था क्योंकि उन्हें शक था कि वो क्रांतिकारी ग्रुप का हिस्सा है, पर उस आदमी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। सिस्टर टेरेसा नाम की एक नन ज्यूस के साथ हो रही चीजों की वजह से भगवान पर अपने विश्वास को खो रही थी, पर उसकी हेड नन ने उसे समझाया कि वो खुद को चोट नहीं पहुंचा सकती। हेनरी को कोपनहेगन लाया गया, जहां वो अपनी मौसी के घर रहने वाला था। उस घर में उसकी मुलाकात उसकी कजन बहन रिगमर से हुई और अपने बेटे को उसकी बहन के पास छोड़कर हेनरी की माँ वापस अपने घर चली गई। उसके जाते ही रिगमर हेनरी को संभालने लगी। ब्रिटिश एयरफोर्स वालों को एक नया मिशन दिया गया जिसका नाम था ऑपरेशन कार्थेज। उस ऑपरेशन के मुताबिक कोपनहेगन में मौजूद एक बिल्डिंग को तबाह करना था और ये ऑपरेशन करने के लिए उन्हें डेनमार्क के क्रांतिकारियों ने कहा है। वो बिल्डिंग गेस्टापो हेडक्वार्टर्स है, जहां जर्मन सिपाही मौजूद है, और क्योंकि उन्हें इस हमले की खबर पहले से ही है, वो 30 डैनिश नागरिकों का ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करेंगे, पर उन 30 लोगों का त्याग उन सबको मंजूर है। हेनरी रिगमर और उसकी दोस्त ईवा के साथ वक्त बिताने लगा था और उसे रिगमर समझाने लगी कि ईवा ने भी किसी को मरते हुए देखा है, पर उसने बोलना बंद नहीं किया। पर अब भी कोशिश करने के बावजूद हेनरी कुछ कह नहीं पाया। उन दोनों लड़कियों ने हेनरी को एक बेकरी के बारे में बताया जहां एक सुअर जैसी औरत रहती है और वो बच्चों को मारती है। उन्होंने ये भी बताया कि उसके बनाए बंस में जहर होता है, पर ईवा के पास एक एंटीडोट है, इसलिए वो लोग वो बंस खा सकते हैं। उस बेकरी से निकलकर वो लोग चर्च की तरफ जाने लगे। हेनरी अब भी आसमान में देखकर डर रहा था, पर किसी तरह उसे चर्च ले जाने की कोशिश कामयाब हुई। ईवा का एंटीडोट चर्च का होली वाटर था और उस पानी में बन डुबाकर उन तीनों ने वो बन खा लिया और इस तरह हेनरी का पहला एडवेंचर पूरा हुआ। चर्च में मौजूद सिस्टर टेरेसा उन बच्चों को दूसरों के साथ स्कूल ले जाने लगी और रास्ते में वो एक पार्क से गुजर रही थी, जहां उसकी नजर कुछ पुलिस वालों पर पड़ी जो एक आदमी को अपने साथ ले जा रहे थे। उन पुलिस वालों में से एक था फ्रेडरिक, जो टेरेसा के पास आया। टेरेसा फ्रेडरिक के करीब जाने की कोशिश करने लगी क्योंकि वो सोचती थी कि फ्रेडरिक एक शैतान है, पर उसे ऐसा करने से रोक दिया गया। फ्रेडरिक अपने साथियों के साथ जिस आदमी को पकड़ कर लाया, उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। वो आदमी जानता था कि उसके साथ और लोग भी वहाँ मौजूद हैं और उनमें से एक को उसने बताया कि वो सिपाही उन सब का ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं, और होने वाले हमले के बारे में सुनकर वो आदमी डरने लगा, जिसके बाद आसमान में उड़ रहे हर प्लेन में उन्हें मौत नजर आने लगी।
उस रात टेरेसा को रास्ते में रोका गया और फ्रेडरिक ने उसके सामान की तलाशी ली, पर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा, टेरेसा ने उससे कहा कि वो उसके साथ एक अफेयर शुरू करना चाहती है। वो देखना चाहती थी कि इस अफेयर की सजा उसे भगवान देता है या नहीं, और अगर उसे सजा मिली तो मतलब भगवान सचमुच एग्जिस्ट करते हैं। टेरेसा रिग्मर और ईवा को पढ़ाती है, और चाहे खुद भगवान या चमत्कारों पर भरोसा ना करती हो, वो बच्चों के दिल से ये भरोसा हटाना नहीं चाहती। उसने सारे बच्चों को समझाया कि कभी कभी भगवान का ध्यान उनसे हट जाता है, जैसे गिरी हुई पेंसिल उठाने के लिए उन सबका ध्यान सामने से हट गया। ये बात रिग्मर ने अपने माता पिता को बताई और कहा कि फिलहाल भगवान सो रहे हैं और शायद इसलिए उनकी तकलीफें खत्म होने में वक्त लगेगा। उस रात रिग्मर और हेनरी ने सारी तकलीफें भुलाकर मस्ती मजाक किया। दूसरी ओर फ्रेडरिक इस बात से परेशान था कि टेरेसा उसके करीब सिर्फ इसलिए आना चाहती है क्योंकि वो एक पापी है। उसने टेरेसा से कहा कि वो प्रे करना सीखना चाहता है और टेरेसा ने उसे ऐसा करना सिखाया। उस वक्त चर्च में जब फ्रेडरिक उसके करीब आने की कोशिश करने लगा तो टेरेसा ने उसे रोक दिया और तब उसे जीसस की मूर्ति पर खून नजर आया। टेरेसा को भरोसा होने लगा कि भगवान सचमुच होते हैं और उनसे कुछ कहना चाहते हैं। हेड नन ने कुछ वक्त बाद टेरेसा और फ्रेडरिक को साथ देख लिया, पर वो ये नहीं जानती थी कि टेरेसा का असली मकसद क्या है। अगले दिन ऑपरेशन कार्थरेज के लिए पायलट्स ने उड़ान भरी और ना चाहते हुए भी पीट और एंडी को इसका हिस्सा बनना पड़ा। वो दोनों अब भी अपनी पिछली गलती के बारे में सोचकर परेशान थे। उस दिन ईवा अपने माता पिता से बहस कर रही थी क्योंकि वो ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहती थी। उसके जिद की वजह से उसके पिता उस पर चिल्लाने लगे, पर ईवा वहां से भाग निकली और रिग्मर और हेनरी के साथ बेकरी गई। हर रोज की तरह वो लोग बन खरीदने गए और दूसरी ओर हमला करने वाले प्लेन्स कोपेनहेगन की ओर बढ़े। फ्रेडरिक ने फैसला कर लिया था कि वो जर्मन सिपाहियों के लिए काम करना बंद करेगा, और ये सुनकर उसके पिता बहुत खुश हुए क्योंकि अब उनका बेटा सही रास्ते पर आ रहा है। स्कूल में बच्चों के साथ एक परफॉर्मेंस की तैयारी की जा रही थी, पर ना तो वो बच्चे और ना ही वो नंस जानती थी कि कुछ देर बाद क्या होने वाला है। वो सारे बच्चे खुश थे सिवाय ईवा के, क्योंकि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था। हेड नन ने उसे बाथरूम जाने की इजाजत दी और कुछ वक्त बाद उन्होंने टेरेसा से कहा कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है और इसलिए उसे स्कूल से अगले ही दिन निकाला जाने वाला है। एक तरफ ईवा और हेनरी बन खा रहे थे और सोच रहे थे कि होली वाटर में सर डुबाने से शायद हेनरी भी ठीक हो जाएगा, तो दूसरी तरफ पीट और एंडी का प्लेन एक बिजली के टावर से टकरा गया। वो प्लेन उनके काबू में नहीं रहा और सीधे जाकर उस स्कूल की चर्च से टकरा गया। कुछ प्लेन्स ने गेस्टापो पर बॉम्ब गिराए और कैदी वहां से भागने की कोशिश करने लगे। टेरेसा बच्चों को वहां से दूर ले जाने की कोशिश करने लगी और पूरे कोपेनहेगन में अफरा तफरी मच गई। दूसरे पायलट्स ने जब पीट के प्लेन से धुआं उठता देखा तो उन्हें लगा कि वही स्कूल उनका टारगेट है, पर जब तक उन्हें पता चला कि वो टारगेट नहीं एक स्कूल है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो लोग स्कूल पर बॉम्ब गिराने लगे। टेरेसा ये सोचने लगी कि भगवान ने उसे आखिरकार सजा दे दी, पर अपनी सोच को भुलाकर वो बच्चों को बंकर में ले जाने लगी। बंकर में मौजूद कुछ बच्चों को गहरी चोट भी लगी, पर उनकी तकलीफें अब तक खत्म नहीं हुई थी। फाइटर प्लेन्स की दो यूनिट का काम हो गया था, पर अब तीसरे यूनिट के पायलट भी स्कूल को टारगेट समझ रहे थे और देखते ही देखते वो लोग वहाँ हमला करने लगे। प्लेन्स को अपनी तरफ आते देख ईवा स्कूल से दूर भागी, पर हेनरी लौट कर अंदर चला गया और फिर एक ऐसा हमला हुआ जिससे बंकर ही जमीन में धस गया। जैसे ही हमले के बारे में लोगों को पता चला, ईवा और रिग्मर के माता पिता उन्हें लेने दूसरों के साथ स्कूल की ओर दौड़े। कुछ बच्चे स्कूल से बचकर निकलने में कामयाब हुए, पर ईवा और रिग्मर कहीं नजर नहीं आए। फ्रेडरिक भी टेरेसा को ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा और कुछ देर बाद रिग्मर के पिता और फ्रेडरिक को एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। उनकी नजर पत्थरों के बीच दबे एक बच्चे पर पड़ी, पर उस बच्चे ने अपनी जान खो दी थी। बंकर के नीचे टेरेसा फंस चुकी थी और उसे रिग्मर की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड के लोग वहां आए और तब हेनरी चर्च से बाहर निकला। एक ऑफिसर ने हेनरी को देखा और उससे कहा कि जितनी बच्चियों को बचाया जाएगा उनके बारे में हेनरी को लिखना होगा ताकि उनकी खबर उनके माता पिता तक पहुंचाई जाए। ये काम करते हुए एक लड़की से बात करने की कोशिश में आखिरकार हेनरी की आवाज लौट आई। दूसरी तरफ टेरेसा खुद को और रिग्मर को बचाने की कोशिश में चिल्लाने लगी, और जब फ्रेडरिक बंकर की ओर जाने लगा तो उसे टेरेसा की आवाज सुनाई दी।
बच्चों के माता पिता को थिएटर में बिठाया गया जहां उन्हें खबर मिलती रहेगी और उन बच्चों की खबर लेकर हेनरी थिएटर तक पहुंचा। हेनरी की बहादुरी की वजह से कई माता पिता अपने बच्चों के पास जा पाए, पर अब भी रिगमर और ईवा कई सारे बच्चों के साथ गुमशुदा थे। बहुत मुश्किल से फ्रेडरिक अंदर घुस पाया, पर अब तक वो फंसी हुई टेरेसा के पास नहीं पहुंच पाया। रिगमर ने तब टेरेसा को बताया कि एक सरिया उसके कंधे में घुस गया है और धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। ये सुनकर टेरेसा और घबराने लगी। जिस औरत को अनाउंसमेंट का काम दिया गया था वो पढ़ नहीं पा रही थी और रोने लगी, इसलिए ये काम हेनरी ने करना शुरू किया। जल्द ही हेनरी को उसकी मौसी मिल गई, पर उन दोनों के पास ही रिगमर की कोई खबर नहीं थी। रिगमर और टेरेसा दूसरी ओर ये सोचने लगे थे कि उनकी मौत होने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे पानी और बढ़ता जा रहा था। फ्रेडरिक ने उस बढ़ते हुए पानी के बारे में रिगमर के पिता को बताया, जो जल्द से जल्द अपने साथ फायर ब्रिगेड वालों को लाए और वो सब पानी बाहर निकालने की तैयारी करने लगे। फ्रेडरिक जैसे ही पाइप लेकर टेरेसा के पास पहुंचा, टेरेसा रिगमर को आवाज देने लगी, पर बहुत देर तक चिल्लाने के बाद भी रिगमर ने कोई जवाब नहीं दिया और टेरेसा को समझ आ गया कि रिगमर पानी में डूब गई है। फ्रेडरिक टेरेसा को अपने साथ ले जाने ही वाला था कि तभी टेरेसा भी रिगमर को बचाने की कोशिश करते हुए पानी में कूद गई और इस वजह से वहां मौजूद पत्थर गिरने लगे और टेरेसा और फ्रेडरिक दोनों की मौत हो गई। ईवा के पिता को पछतावा होने लगा था और वो ये सोच रहे थे कि अपनी बेटी की आखिरी पलों में भी उन्होंने उस पर सिर्फ गुस्सा किया। ईवा की माँ जब वहाँ से बाहर गई तो उन्हें हेनरी मिला और हेनरी ने उसे बताया कि ईवा यहाँ कभी थी ही नहीं और वो शायद अपने घर लौट गई थी। ये सुनकर ईवा की माँ घर की ओर दौड़ी और अपनी बेटी के जिंदा होने की उम्मीद करने लगी। जैसे ही वो अपने घर पहुंची, उसे अपने सामने ईवा बैठी मिली जो अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर रही थी। ब्रिटिश एयरफोर्स के उस हमले में गेस्तापो तो तबाह हुआ और क्रांतिकारी वहाँ से जिंदा निकल गए, पर उनकी एक गलती से 145 आम नागरिकों की मौत हो गई, जिनमें करीब 90 बच्चे भी थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।